हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर कुकिंग चैनल कुक विद कॉर्डी। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? सर्दी का मौसम है, स्टार्ट हो चुका है। और सर्दियों के मौसम में जो खूब सारी गर्म चीज़ें खाई जाती हैं, हेल्दी चीज़ें खाई जाती हैं, तो आज हम सर्दियों के मौसम के लिए खास एनर्जी देने वाले लड्डू बनाएंगे, जो हेल्दी भी हैं, टेस्टी भी हैं और जिनको बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे 150 ग्राम फूल मखाने। फूल मखाने हैं जो आपको इजीली मार्केट में मिल जाएंगे, इनको फॉक्स नट और लोटस सीड्स भी बोला जाता है। तो हमने 150 ग्राम में फूल मखाने लिए हैं। गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो रखेंगे और इसको लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पे हम रोस्ट कर लेंगे। बहुत ही जल्दी है ये जो रोस्ट हो जाते हैं, रोस्ट होने का इनका पता चलता है कि ये हल्के से हैं, जो क्रंची हो जाते हैं और तोड़ने से ईजिली टूट जाते हैं। ये देखिए, अभी ये पूरी तरह रोस्ट हो चुके हैं, ये देखिए बहुत ही ईजिली टूट रहे हैं। तो मीन्स फूल मखाने हैं जो वो रोस्ट हो चुके हैं। तो अभी हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इनको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। तब तक हमने ये जो मूंगफली ली है, 200 ग्राम पीनट्स ये भुने हुए थे, इसको मैंने ऐसे ग्राइंडर में पीस लिया। तो आपने मूंगफली को है जो ग्राइंडर में पीस लेना है। इसी तरह से हमने रोस्ट किए हुए जो मखाने हैं उनको भी ग्राइंडिंग जार में अच्छी तरह से ऐसे पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। तो अभी हमने दोबारा जो गैस का फ्लेम ऑन कर लिया है और मैंने इसके लिए अब लिया गुड़। 1 कप मैंने गुड़ लिया और आधा कप जो कप है वो हम इसमें डालेंगे पानी। कोई भी कटोरी या कप ले लीजिए, जितना आप उसमें गुड़ डालेंगे उसका आधा हम इसमें पानी डाल देंगे। इन लड्डुओं में हम चीनी नहीं यूज़ करेंगे। गुड़ सर्दियों के मौसम के लिए बहुत ही हेल्दी माना जाता है। और थोड़ी सी मैं इसमें डाल रही हूँ पिसी हुई जो छोटी इलायची आती है, हरी इलायची, वो बहुत अच्छा इसको फ्लेवर देगी। तो हमने इसमें कोई चाशनी नहीं बनानी। ये देखिए, जब गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा तो गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसको थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। अभी ये हल्का है, गर्म है, तो अब हम इसमें डालेंगे जो हमने मखाने पीस लिए थे वो ग्राइंड किए हुए। उनको मैंने ना बिल्कुल ज़्यादा पाउडर नहीं बनाया, थोड़े से दरदरे से रखे हैं। और साथ में ही हमने जो है पीनट्स लिए थे, मूँगफली ली थी, वो भी हमने पीस ली थी, वो इसमें मिला दी है। तो अब हम इसको गुड़ में जो अच्छी तरह से ऐसे मिला देंगे। और इसी के साथ इसमें मैं डालूंगी 3 से 4 बड़े चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट नारियल का बुरादा, बहुत ही अच्छा इसको फ्लेवर देगा। तो इसमें हमें और कोई ड्राई फ्रूट्स डालने की या ड्राई नट्स हैं जो वो डालने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और उसके बाद आप जितनी शेप के चाहें इसके छोटे या बड़े लड्डू बना सकते। तो ये लीजिए सर्दियों में खास लड्डू जो आपको एनर्जी से भरपूर कर देंगे, बनकर बिल्कुल रेडी हैं। तो आप भी ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जल्दी ही मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।